Starting with the very first question, they have asked us to find out the level of the liquid in the remaining cylinder. We could clearly see के how many scales do we have? 10, 11, 12, 13, 14, 15. That is each small line is showing 1 millimeter or centimeter cube because units are given in centimeter cube. So centimeter. बल्कि sorry उसने लिखा भी है सेंटीमीटर के अंदर है हमारे पास. So it's 20, 21, 22, 23 and 24. लोअर मेनिस्कस देखते हैं हमेशा से. सो व्हाट बी द राइट आंसर? 24. देन वी हैव ये तकरीबन स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया हुआ था इसके अंदर. भाई हमारे पास वी हैव डिस्कस दैट दिस शोज अ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, दिस ग्राफ. और इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट. ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी होता है. ऑल्सो वी यूज इट फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड एज वेल. एंड उसने कहा है कि विच क्वांटिटी ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन 0. सो ऑल ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट. एक्सेलरेशन को देखा जा सकता है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट. वट अदर ऑप्शन डू वी हैव? लेट मी टेक द स्क्रीन अबाउट. ओके, वी हैव एक्सेलरेशन, वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वी हैव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव काइनेटिक एनर्जी. उसने कहा विच क्वांटिटी ऑफ द कार डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. विच मीन्स स्पीड हमारे पास क्या बन रही है इसमें? कॉन्स्टेंट. स्पीड इज कॉन्स्टेंट तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आती है? 1/2 mv² के अकॉर्डिंगली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी इट वुड बी कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 0. हम कॉन्स्टेंट स्पीड जीपी क्यों पर नहीं ले सकते? जीपी क्यों नहीं ले सकते? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वी डू नॉट नो व्हाट काइंड इट्स गोइंग रोड अप द हिल. सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी. डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्यों नहीं चेंज होगी? एक्सेलरेशन क्यों नहीं एग्जिस्ट हो सकती? क्योंकि इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या होगी? 0. एक्सक्लूडिंग ऑल द ओके 3 ऑप्शंस 1/1 लीविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी. व्हाट वाज द क्वेश्चन समझ नहीं अगेन? आई. सॉरी, मैं कह रहा हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है उसका काइनेटिक एनर्जी से क्या ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होती है ना बेटे. तो वो कांस्टेंट कैसे हो? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट है, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी? फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का बेटे? 1/2 mv² मास कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड अकॉर्डिंग टू ग्राफ इज कांस्टेंट. सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. जीपी कांस्टेंट क्यों नहीं रह सकती? बिकॉज इट्स गोइंग अप द हिल, वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बाकी सब पॉइंट समझ में आ गए. क्यों ऑप्शंस नहीं है? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो सकती? आगे क्लियर एवरीवन? यस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैटर. उसने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाउ आर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दीज ग्राफ्स? इन द डिस्टेंस ग्राफ स्पीड हमें क्या देती है? स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड दे रहा होता है या ग्रेडियंट दे रहा होता है हमें? हफ्सा, स्पीड एरिया हमें स्पीड देता है या डिस्टेंस देता है? डिस्टेंस तो ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए एंड बी, लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन नंबर सी एंड डी. अब दोनों में ग्रेडियंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हिच मींस स्पीड इज करेक्ट. ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द स्पीड. हमें अब एक्सेलरेशन देखना था. एक्सेलरेशन हमारे पास किस में आएगा? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ तो हमें क्या देता है? डिस्टेंस. तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन रहेगी व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी. आई रिपीट, ग्राफ भी बना देता हूँ. हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो इसका ग्रेडियंट हमें क्या देगा? स्पीड देगा.
जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो इसका ग्रेडियंट हम लोगों को क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन कॉस ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, राइज ओवर रन के। यहाँ पे अगर स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो उसका ग्रेडियंट हमें क्या दे रहा होगा, स्पीड ओवर टाइम विच इज एक्सेलरेशन। और एरिया हमें क्या दे रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना था कि जिसमें हमारे पास स्पीड एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो रही है यूजिंग द डेटा फ्रॉम द ग्राफ। तो वी नो दैट के ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी, एंड ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड ग्रेडियंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमें ये ऑप्शन देखते हुए सूटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा था, राइट ऑप्शन, बल्कि सूटेबल क्या, राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, उसके अंदर हमें सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर चेंज ऑफ वॉल्यूम। मास था 65 ग्राम्स और चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ रहा था, 55 एंड 30। सो 55 माइनस 30 हमें कितना दे देगा, 15 आई गेस और 20। 15 15 हमने डिवाइड करना था, अपना आंसर निकाल लेना था, आई गेस 15 टू 30 तक तो जाएगा, 45 65, ऑप्शन नंबर डी नहीं इज 25 करेक्ट। नहीं बनता, 55 माइनस 30 25 बनेगा। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उसके क्लोजेस्ट वही बन रहा। होल्ड ऑन, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर एज वेल। के स्मॉल सबमरीन ऑफ मास इज ब्ला 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 इज गोइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें सिर्फ अपना नॉलेज अप्लाई करना था कि वी नो दैट कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी इक्वल बनी थी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1000 टाइम्स 9.8 वुड बी इक्वल टू 9800। सो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारे पास, डी। आई रिपीट क्विकली, ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड दैट मीन रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर क्या होती है, जीरो, एंड व्हेन रिजल्टेंट फोर्स उसके पास जीरो, विच मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स आपस में क्या होती है, इक्वल। सो अगर हमें डाउनवर्ड फोर्स मिल जाए एज द मास इज गिवन, विद दिस वुड बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। ओके सर वो डाउनवर्ड फोर्स पूछ रहा है, वो जीरो ही लग रही है। 9800 95 है इसका डाउनवर्ड फोर्स, कैसे? ओ सॉरी, हाँ हाँ सही, डाउन, हाँ, जा रिजल्टेंट वो आगे फोर्स की तरफ जीरो, जा रहा सॉरी, है। वो डाउनवर्ड फोर्स में आपको बताया था, सॉरी, ए जीरो, मैं वैल्यू सॉरी कैलकुलेट करके बता रहा था, आंसर उसका है जीरो, यानी मतलब मैंने लिखा भी है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, वो टिक वहां पे गलत कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज के स्टूडेंट ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट अ लाइट बॉल इन एयर, द बॉल एक्सपीरियंसेस सम एयर रेजिस्टेंस एज इट फॉल्स, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द टू द एक्सेलर एंड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकेंड आफ्टर द रिलीज। वेलोसिटी, स्टूडेंट ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट अ लाइट बॉल इन एयर, वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी व्हाइल इट्स गोइंग अप, क्या होता है नॉर्मल बिहेवियर। इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस एज इट फॉल्स, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकेंड आफ्टर रिलीज। डिक्रीज होती है और जीरो पे कांस्टेंट हो जाती है। उसने कहा द बॉल एक्सपीरियंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस एज इट फॉल्स, वही तो कहे, डिक्रीज होती है और जीरो पे फिर कांस्टेंट हो जाती है फॉल, ना। आई रिपीट माय क्वेश्चन, इट्स फॉलिंग, फिर इंक्रीज डाउनवर्ड आते होती हुए है स्पीड इंक्रीज। क्या करती है, और अगर हम उस डाउनवर्ड वाले पोर्शन को नहीं भी बोलते, इनिशियली इफ द समथिंग इज फॉलिंग तो उसकी स्टार्ट में तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड देन एज इट अप्रोचेस अ कांस्टेंट स्पीड व्हिच इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो मतलब तब उसकी स्पीड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, और उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। तो उसने फ्यू सेकंड्स में पूछा, तो उसमें हमारे पास स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। कॉज, व्हाई इज दैट, Because initially it increases and reaches to a constant speed,
which is known as terminal velocity. And when it reaches to that velocity, acceleration is zero. And this is the maximum speed that an object is falling with. So if acceleration is zero as it reaches a constant speed, obviously वो decrease हो रहा होगा, तो at a point आके उसने zero पे reach करेगा. So option number C. ओके ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था. और सेकंड है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड इज मेजर्ड इन फोर डिफरेंट सिचुएशन ऑन ड्राई रोड विद न्यू टायर ऑन अ ड्राई रोड विद ओल्ड वॉर्न टायर्स ऑन अ वेट रोड विद न्यू टायर्स ऑन अ वेट रोड विद ओल्ड वॉर्न टायर द रिजल्ट्स आर शोन व्हिच टू रिजल्ट्स आर पॉसिबल मेजरमेंट ऑन द ड्राई रोड विद ओल्ड वॉर्न टायर. ड्राई रोड है तो फ्रिक्शन क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगी, लेकिन ओल्ड वर्न टायर की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी. तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन बनेगा उसमें. व्हाट डू यू गाइस थिंक. सी, मैंने तो सी किया था. ओ नहीं, मैंने एक्स एंड वाई किया था, बी किया था. पता These are very close to each other. ठीक है. Also, dry road के ऊपर friction ज्यादा होगी, stopping distance क्या होगा काम कम होगा हमारे पास. और worn tires के लिए थोड़ी सी value जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा increase हो जाएगा. तो approximately जो close close values बन रहे हैं वो हमारे पास x and y के, because dry road with new tires and dry road with worn tires, तो उन दोनों की values के अंदर जो stopping distance है उसके अंदर इतना major difference नहीं आएगा, slight सा difference आएगा. बाकी जो values बन रही हैं उनमें बहुत ज्यादा major difference आ रहा है w and z के अंदर. अच्छा ये मजे का सवाल था. अब इसमें उसने हमें बोला हुआ है कि जब व्हेन 200 ग्राम्स है हमारे पास, तो हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर. उसने कहा था 100 ग्राम्स के ऊपर कितनी होगी. अब हमें पता है कि एक्सटेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है. एफ इज इक्वल टू के एक्स का अगर आप फॉर्मूला यूज करें भी, के की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी एफ ओवर एक्स. एफ की वैल्यू हमारे पास कितना है 200 into 9.8 divided by x, उसके अगेंस्ट कितनी है, या हम ग्राम्स पर सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, 0.02 बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000. जीरो पॉइंट टू एंड 9.8 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी बननी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻². तो इसके के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नाइनटी एट. ये तो एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग निकले. अच्छा हम इसके अंदर एक और भी कर सकते हैं कि अगर 200 ग्राम इज रिप्लेस विद 100 ग्राम्स और हमारे पास एक्सटेंशन ने क्या होना है उससे रिड्यूस होना है, और एट कॉन्स्टेंट इंटरवल ही हमारे पास जो है वो रिडक्शन आती है. तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या बनेगी, अगर 200 पे 9 थी तो 100 पे कितनी एक्सटेंशन आ रही है 1, तो हमने 1 लेस एक्सटेंशन पे चले जाना है. तो उसके लिए कौन सी उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन नंबर बी. आई रिपीट अगेन, 200 पे हमारे पास 9 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ था, उसने मास को हाफ कर दिया तो एक्सटेंशन डिक्रीजेस बाय 1. कॉन्स्टेंट हमारे पास वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है. तो अगर उसने 200 पे 9 था तो 100 ग्राम्स पे 1 लेस वैल्यू हो गई हमारे पास, तो 9 - 1 वुड बी 8 सेंटीमीटर. लेट्स नॉट डू दैट, ये लेंथ ही हो जाएगा. हमें उसमें लोड तो फाइंड आउट करना नहीं था जो हम उसके ऊपर जाते हैं. ये इजी सवाल है. उसने बोला है कि विच फोर्स और एक्सेलरेशन व्हेन अ सर्कुलर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों किस डायरेक्शन में लग रही होती है,
ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर. सो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए. अब आ गया इंपल्स का क्वेश्चन. इंपल्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं, कौन कौन से? एफ क्रॉस टी और एम वी माइनस एम यू. सो एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू. तो उसमें से हमने उन्होंने देख लेना है कि कौन सी ऑप्शन बनेगा. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम वो टाइम किसको शो कर रहा होता है? एवरेज फोर्स को. देन ये भी अच्छा क्वेश्चन था. सबसे पहले तो हम इसमें निकाल लेंगे जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बन रही है. सो 1/2 मास इज गिवन एज 4 एंड स्पीड इज गिवन एज 1.5 और डिस्टेंस 1 है. इवेंचुअली जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही रह जाएगी. सो 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर, दिस वुड गिव अस 4.5 जाउल्स. अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन आर इक्वल टू इच अदर, व्हिच मींस वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस फैक्टर. उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला था. सो 4.5 डिवाइड बाय 1 वुड अगेन गिव अस फोर्स. उसने हमें कहा है कि व्हाट इज द फोर्स एफ, तो टोटल फोर्स एफ किसके इक्वल होगी? वर्क डन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल. तो अगर वर्क डन हमारे पास कितना निकला है? 4.5. और उसने क्वेश्चन में मेंशन आउट किया कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है? 1. तो उसको उसमें ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5.5 न्यूटन. ऑप्शन नंबर तो डी. इसमें तो माइनस फिक्स नहीं, उसे टोटल फोर्स कैलकुलेट, एफ टाइप कैलकुलेट करने को बोला. पुलिंग फोर्स को कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो 5.5 की इक्वल ही होगा ना. हमें वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन उसमें ऐड करके टोटल फोर्स मिलेगी ना, क्योंकि अगेन यहाँ पे वही रूल लगेगा कि अगर कांस्टेंट फोर्स है और ऑब्जेक्ट जो है वो जो है 1.5 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. और उसको उसकी उसके उसकी पुलिंग फोर्स के अंदर हम लोग वर्क डन अगेंस्ट के अंदर फ्रिक्शन को ऐड करेंगे, तभी तो उसकी फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. उसको टोटल कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पुश पुल द बॉक्स अलोंग द सर्फेस. ओके देन ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था. उसमें उसने पूछा हुआ कि जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. तो हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही उसकी एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है. तो व्हाट कुड बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए. ये भी काफी आसान सवाल था. हाउ डज एन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन? गैस एमिटेड बाय हॉट फ्यूल आर एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर. ओके ठीक है. स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉइलिंग यूजिंग हॉट फ्यूल्स. दोनों में ये सेम ही होता है. उसने डिफर की बात की हुई है. एंड हॉट स्टीम इज यूज्ड टू बर्न टरबाइन. ये भी सेम चीज, टरबाइन ये सारी ऑप्शंस ठीक है. सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो विच इज डिफर, कॉज न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की जो एनर्जी होती है वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था. इसमें उसने पूछा था कि द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन द लोड इंक्रीजेस, द मूविंग लोड हैज स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी के, व्हिच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर व्हेन द लोड इज बीइंग लिफ्टेड एट अ कांस्टेंट रेट. तो एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट. अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया हुआ है कि इनपुट हमारे पास कहाँ पे आ रही है. इनपुट हमें क्वेश्चन में कहां पे आ रही है? पावर सप्लाई पे. और उसके अगेंस्ट लोड जो है वो लिफ्ट हो रहा है, विच मीन्स गाय पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर सप्लाई का रिलेशन हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर सर्च आउट करना था. तो वो किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों को? ऑप्शन नंबर बी में. तो पावर सप्लाई देखो यहाँ पे टॉप पे है सी एंड डी में. तो ये इनपुट है, ये आउटपुट नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ए एंड ऑप्शन नंबर बी में से हमें चूज आउट करना था. काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड द लोड इज स्टोरिंग दैट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उस लोड के अंदर स्टोर हो रही है. इट्स नॉट द इनपुट विच इज गिवन टू द लोड. सो पावर सप्लाई विल बी द इनपुट एंड आउटपुट उसके अगेंस्ट क्या होगा? अगर हमारे ऊपर हमें किसी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी भी दिया होता तो भी हम उसको चूज क्यों ना करते?
वाई वुड वी नॉट चूज काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप? हफ्सा, उसने जीपी का पूछा है, नहीं, उसने लिफ्टेड पूछा का, कुछ नहीं हुआ, लिफ्टेड उसने पूछा कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ हमें ऑप्शंस दिए हैं। हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चूज करते? क्योंकि लोड लिफ्ट हो रहा है, एंड व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी वो एनर्जी गेन कर रहा होता है? दैट एनर्जी इज ऑलवेज जीपीई। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग विद दैट। ये बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे इसको थोड़ा सा टाइम लगा, बाद में मुझे अपने पर ही हंसी आ रही थी। इसमें उसने टाइम फाइंड आउट करने को बोला हुआ था। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन ओवर टाइम। अब उसने हमें टाइम कैलकुलेट करने को बोला था, तो वर्क डन ओवर पावर लगा के हम लोगों ने 3000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया 1500। मैंने फॉरन से ये चूज कर लिया। बाद में मुझे जहन में आया कि भाई ये जो 1500 है ये सेकेंड्स में निकला है हमारे पास, उसने टाइम मिनट्स में दिया हुआ, विच मीन्स कि हमें 1500 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, इन ऑर्डर टू गेट द टाइम इन मिनट्स। तो वो ऑप्शन बनती है हमारे पास 25 मिनट्स। अब सही, गलत था ना? तो यही है मेरा। अच्छा, अमन अमन फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू हैमर अ वुडन पोस्ट इनटू द ग्राउंड। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे माइंड में आएगा कि उसने ग्राउंड के अंदर एक पोस्ट को इन करना है, विच मीन्स उसका एंड जो है वो क्या होना चाहिए, शार्पर होना चाहिए। उसने कहा हाउ कुड ही मेक द पोस्ट गो इन मोर इजिली। अब हमें शार्पर पॉइंट्स को देखना था। अब उसने ए ऑप्शन में दिया हुआ मेक द बॉटम पोस्ट ऑफ द पोस्ट पॉइंटेड, यस दैट इज वेरी मच दैट वी आर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मेक द टॉप ऑफ द पोस्ट पॉइंटेड, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पोस्ट इन करना है ग्राउंड में, यूज लॉन्गर पोस्ट एंड ये कोई ऑप्शन नहीं ठीक विद, ओनली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कॉज अगर उसका बेस पॉइंट ही होगा, ऑब्वियसली अगर उसका बेस पॉइंट ही होगा तो वो इट वुड हैव लेसर एरिया मोर प्रेशर, तो विद इवन लेसर फोर्स हम उसको इजिली क्या कर सकेंगे, ग्राउंड में इन कर सकेंगे। टॉप का बिगर होना या लॉन्गर पोस्ट या वाइडर पोस्ट हैज ओनली टू डू विद द स्टेबिलिटी और विद द मूवमेंट्स जो हमने पढ़ा हुआ। यहाँ पे प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगना था। ये तो सिंपली बुक से डायग्राम आई हुई थी हमारे पास। उसने बोला विच डायग्राम शोज द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट डायरेक्शन ऑफ द एरोस, बस हमने इसमें साइड राइट पोजीशन देखनी थी कि कौन सी होती है। सॉलिड टू लिक्विड क्या होती है? मेल्टिंग होती है। तो हमने ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में से चूज करना था। तो लिक्विड टू गैस क्या होता है? एवेपोरेशन। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो इसमें लिक्विड टू गैस कंडेंसेशन लिखा हुआ है। लिक्विड टू गैस कंडेंसेशन नहीं बल्कि क्या होती है? एवेपोरेशन होती है। सो लिविंग अस विद ओनली वन राइट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। देन ये भी अच्छा सवाल था। सील्ड सिलेंडर कंटेनिंग गैस इज लेफ्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, इवेंचुअली द सिलेंडर एक्सप्लोड्स, हाउ इज दिस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अब उसको हीट मिल रही है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पार्टिकल गेन्स काइनेटिक एनर्जी एंड बिगर एंड बिगर वाला। इसमें ऑप्शन ही सिर्फ एक ठीक बन रहा है, पार्टिकल का साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली इंक्रीजेस, तो बाकी सारे ऑप्शन डायरेक्ट अवे कैंसिल होते हैं। लूजेस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द राइट ऑप्शन। हमदान वाज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम की जगह पे हम लोगों ने एरिया इंटू लेंथ लगा देना था, बिकॉज हमें पता है इट्स इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ वन एंड लेंथ टू। वी नो दैट कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट, सो ए वुड बी कैंसल्ड आउट लीविंग अस विद ही। सो P1 इक्वल्स टू L1, हमारे पास पहले क्या था 20 और अब कितना है 50। सो P1, P को फिलहाल नाउ लेट्स दैट्स द ओरिजिनल प्रेशर, तो 20 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू P2, 2/5 हमारे पास कितना होता है, आई गेस 1.4, 0.4, 0.4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, यस ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्लियर ये क्वेश्चन हमदान? यस एनीवन नीड्स फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दिस?
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. उन्होंने कहा पॉट एक्स एंड पॉट वाई आर बोथ इन अ कोल्ड रूम. व्हाट हैपेंस टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द लिक्विड इन द पॉट एक्स एंड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. लिक्विड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स इन एक्स. एक्स की लिक्विड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कंपैरेटिवली ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि उसमें फास्टर रेट ऑफ वो हो रहा होगा, एवेपोरेशन हो रहा होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्रू द सरफेस भी हो रहा होगा, थ्रू द टॉप भी हो रहा होगा, मतलब कंडक्शन के थ्रू भी हमारे पास कूलिंग हो रही होगी. इसमें उसने नीचे जो है वो हॉट प्लेट दिया हुआ, विच मीन्स उसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कंपैरेटिवली टू एक्स जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स इन, वो कॉन्टिन्यूसली सेम ही रहेंगे, क्योंकि अगर इवन इफ द पार्टिकल्स आर एवेपोरेटिंग और जो लेफ्ट बिहाइंड रहेंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है नॉर्मली व्हेन इट्स व्हेन समथिंग इज एवेपोरेटिंग, और उसको कॉन्टिन्यूसली नीचे से हीट मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो डिक्रीज एंड डज नॉट चेंज. डिड यू गेट दिस? और उसने वैसे भी यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है हिंट के काइनेटिक जो वाई है वो बॉयल हो रहा है, और जब बॉइलिंग हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. डू यू गाइस गेट इट? ओके, नो आंसर, दैट मींस यस. सॉलिड मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स. हाउ क्लोजली पैक्ड आर देयर पार्टिकल्स एंड डू द मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. हमें सिर्फ राइट ऑप्शन को फाइंड आउट करना था. द पार्टिकल्स आर क्लोज टूगेदर एंड येस दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसने मेटल को मैंशन आउट किया. मेटल्स डू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये अच्छा सवाल था. उसने कहा था कि वाई कॉटन वूल इज अ गुड इंसुलेटर. इंसुलेशन की उसने बात की, विच मीन्स के वो हीट को क्या करेगा? ट्रैप करेगा. इट विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट इफ इट्स सेइंग के वो थर्मल इंसुलेटर है. सो वो वुड लुक फॉर दैट ऑप्शन एंड आई कुड सी दैट ऑप्शन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इट प्रिवेंट्स traps the air and prevents convection. बाकी सब में क्या है? It has a low density because of the trapped air. It has a large surface area because it is made of many threads. Each thread is very thin. उसने insulation के respect से बात किया था कि why it's acting as a good insulation. So it must be trapping some kind of a heat inside it. That's why it is acting like a good insulator. So there is only one right option. There are too many questions with thermal conductivity. Yet easy. उसने कहा है कि इन दिस केटल, थ्रू केटल विच फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा हमारे पास? तो केटल के थ्रू कौन सा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है? वी नो दैट के कंडक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी से हमने लोकेट करना था. एंड विद इन वॉटर क्या होता है? कन्वेक्शन होता है. अनदर इजी क्वेश्चन. ये भी अच्छा सवाल था. लॉन्गिट्यूडनल वेव में उसने बोला था कि विच वन इज द राइट ऑप्शन. वी नो दैट कि पार्टिकल का मोशन बैक एंड फोर्थ होता है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन सिर्फ किस में शो हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में. और एक और चीज देखो, इस कंप्रेशन के लास्ट से वो स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन आई डिडंट इवन रीड द होल क्वेश्चन. आई जस्ट केम अप विद दिस के दिस मस्ट बी डायफ्रेक्शन, बिकॉज साउंड था, बेल था, साउंड हमें ऑन द अदर साइड किस वजह से सुनाई देता है? हम लोगों ने ये लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन किया था कि इट इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सॉरी डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड ऑन द अदर वेव्स. तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए. उसने कहा था व्हाट कॉजेस द रीचिंग अ साउंड रीचिंग द स्टूडेंट टू बी लाउडर. तो जब व्हेन द डोर वुड ओपन एंड ड्यू टू द डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड इट वुड बी जो है इट विल रीच टू द स्टूडेंट. एंड देन ये बहुत इजी था, गर्ल का इमेज ऑब्वियसली उसके बिल्कुल सामने बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट ऑप्शन.
Then option number 7 था, 27 was an question. Air to glass जा रहा था. We know that formula for refractive index is sine I over sine R. उसने I की वैल्यू भी दी हुई थी, which was 1.3. sine I हमें कैलकुलेट करना था and sine उसने 40 दिया हुआ था. 1.3 times sine 40 का साइन इनवर्स लेना, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आना था. एंड आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 56.8, व्हिच इज राउंडेड ऑफ टू 57. देन उसने बोला हुआ कि व्हिच एंगल इज अ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल कब होता है हमारे पास? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स एन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद द नॉर्मल. सो वेयर डू वी सी द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90? We could were seeing it at option number जी D. Then the next question was, what is a linear magnification? Magnification multiple times explain हुआ है कि it is the height of image over height of object. हमें number of boxes count out करने थे यहाँ से. 1, 2, 3, 4. या आप इसको scale से भी measure कर सकते थे, up to scale इसकी जो भी diagram बन रही है. 1 सेंटीमीटर. अब वो आई डोंट सी उसने मेंशन आउट किया हुआ कि 1 सेंटीमीटर है कि नहीं. एनी हाउ आपने इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसका आंसर निकालना था. एंड माय आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 3. वो आई रिपीट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर फाइंडिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज इज दिस and this is the height of object. Supposedly, whatever the value of coming, this was coming as 6 and this was coming as 3. So 3, 6 divided by 3, 3 meters per second. Meter per second, नहीं, sorry, magnification as same quantity है तो उसका unit नहीं होगा. It would be a unitless quantity. Ultraviolet radiation is a component of ultramagnetism. Which application uses ultraviolet radiations? तो हमारे पास कौन सी options आती हैं? प्रीनेटल में नहीं होता, स्टरलाइजिंग में हो सकता है, थर्मल इमेजिंग के अंदर नहीं होता, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था उसमें कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव यूज होती है. सो लिविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन विच इज स्टरलाइजिंग वाटर. फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फॉर अल्ट्रावायलेट. गामा एंड एक्सरेज यूज होते हैं उसके लिए. Then there was a rubbing which rods gain large electrostatic charge. तो जो negative होगा वो charge gain करेगा और जो positive होगा वो lose करेगा. A student rubs different rods held in his hand, which rod gains a large electrostatic charge? तो metal rod के साथ, steel magnet के साथ and woolen duster के साथ जो है, पहले तो cancel out कर लेते हैं. steel magnet वाला नहीं होगा हमारे पास. स्टील मैग्नेट, आयरन रॉड इज अ कंडक्टर तो उस पर चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता. तो दैट लीव्स अस विद ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर बी. डिड यू गाइस गेट दिस एमसीक्यू? के आयरन इज अ मेटल तो व्हेन रब विद समथिंग इट्स अ कंडक्टर, स्टार्ट चार्ज वुड नॉट स्टे ऑन इट. तो हमें पॉलिथीन रॉड की ऑप्शंस देखने थे. स्टील मैग्नेट के साथ रबिंग करने से उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन व्हिच वाज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू परमानेंट मैग्नेट्स आर प्लेस साइड बाय साइड इन फोर डिफरेंट सिचुएशंस इन व्हिच एलिमेंट डू द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. रिपल्शन किसके अंदर होगा हमारे पास? 1, सॉरी 2 एंड 3 के अंदर, बिकॉज उन दोनों में जो है हमारे पास लाइक पोल सामने आ रहे हैं. आई डोंट नो आप लोगों को ये पेपर क्यों मुश्किल लग रहा था भाई. इतने ज्यादा आसान सवालों के बाद तो बच्चे का मोराल वैसे भी थोड़ा सा हाई हो जाता है. अच्छा आपको तो मैं पूछता हूँ ना मंडे. विच ग्राफ शोज हाउ द करंट चेंजेस व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ और अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस इज वेरीड. रेजिस्टेंस वेरी रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट तो हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा? देयर इज ओनली वन ग्राफ एंड द रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट विच इज ऑप्शन नंबर ए. बाकी सब तो है ही गलत हमारे पास. दिस क्वेश्चन वॉज अ बिट ऑफ अ इंटरेस्टिंग वन. इसमें सीरीज रेजिस्टेंस किसके इक्वल आनी थी? आर प्लस आर 2R के. और पैरेलल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आनी थी? आर बाय 2 के. अब हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर लेना था.
आर बाय टू या 2 आर, क्या बनता था? 2 आर बनेगा, 2 बाय आर बनेगा, हाफ रेजिस्टेंस हाफ, ठीक है। अब सीरीज का करंट निकालें तो किसके इक्वल बनता है? वी ओवर आर के। आर की वैल्यू क्या थी? 2 आर। पैरेलल की वैल्यू निकालें तो वी ओवर आर बाय टू, विच इज इक्वल टू 2 वी ओवर आर। उसने रेशियो आई एस ओवर आई पी को कैलकुलेट करने को बोला है, सो वी ओवर 2 आर ओवर 2 वी ओवर आर। दिस आर वुड गो अप एंड दिस आर वुड गो डाउन, सो द फाइनल इक्वेशन वुड बी वी आर ओवर 4 वी आर। वी आर कैंसिल आउट हो गया, 1/4, द रेशियो इज 1/4, और 1/4 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 0.25। डू यू गाइस गेट द क्वेश्चन? नहीं हाँ, टोटल जी का रेजिस्टेंस हमने, उसने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस बोले हुए थे, फॉर दैट मैंने वैल्यू चूज कर लिया आर है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है? आर होती है, तो वो 2 आर हो गया। और पैरेलल में रेजिस्टेंस हाफ होती है, तो मैंने उसको आर बाय टू लिख दिया। फिर आई यूज द फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर का फॉर्मूला मैंने यूज किया, और जो मैंने आर की सीरीज एंड पैरेलल के केस में वैल्यूज फाइंड आउट की थी उनको वहां पे पुट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चंस में उनकी उसमें। और फिर उसने हमें आई एस ओवर आई पी कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, तो मैंने आई एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, आई पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, रीअरेंज किया और आंसर निकाल लिया। ओके अब साहब, डू यू गेट इट? जी। अब ये आसान क्वेश्चन था। उसने कहा था कि जी कॉइल इनिशियली वो जो है इट्स गोइंग ट्वाइस एवरी सेकेंड, और अब कॉइल की रोटेशन जो है वो हाफ कर दिया गया है, ठीक है, उससे उसके नंबर ऑफ फ्लैशेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब नंबर ऑफ जो रोटेशन जो है वो हाफ होती है, तो उसकी एवरीथिंग वुड बी हाफ। तो देर इज ओनली वन ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज तो होना ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि इफ रोटेशन इज हाफ तो जो जो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेटर का जो ई एम एफ इंड्यूस हो रही है, दैट वुड बी रिड्यूस्ड एज वेल। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी में से चूज करना था। बी इसलिए चूज नहीं किया कि नंबर ऑफ फ्लैशेस इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज नंबर ऑफ फ्लैशेस वुड डिक्रीज विद द रोटेशन, अगर उसका ई एम एफ हाफ हो रहा है हमारे पास। विच डिवाइस यूज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन यूज करता है? लाउड स्पीकर, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की उसमें पढ़ा भी हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपास तो मैग्नेटिक इफेक्ट और यूज करा था। फ्यूज इट्स ओनली कंपोनेंट विच इज यूज टू सिक्योर द सर्किट। देन विच बीम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स? उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी हुई है, वायर दे दिया हुआ है, अल्फा बीटा एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो आई गेस कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा भी नहीं, क्योंकि वो होते हैं क्या कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। अ वायर इज प्लेस एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देर इज अ करंट इन द वायर एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बीम ऑफ अल्फा बीटा एंड न्यूट्रॉन आर फायर्ड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द कन्वेंशनल, अच्छा कन्वेंशनल करंट बोला हुआ है। कन्वेंशनल करंट में हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसी के अकॉर्डिंगली होगी। न्यूट्रॉन ने वैसे ही नहीं कुछ भी करना था, बीटा पार्टिकल ने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल बी इन द सेम डायरेक्शन एज बाय इन द वायर, बिकॉज वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कन्वेंशनल करंट की बेसिस पे लेते हैं, तो अल्फा बीइंग द पॉजिटिवली चार्ज, इट वुड एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जैक्टली द सेम एज द वन फेस बाय एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल्स इन द वायर। सिलोस्कोप का क्वेश्चन फॉर नाउ स्किप कर देते हैं। 39th पे मैं आता हूँ। 40th वॉज एन ईजी क्वेश्चन। इसमें उसने बोला हुआ था कि एक्स जो है उसका स्मॉलर रेट शिफ्ट है दैट ऑफ वाई,
तो क्लोजर कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली जिसका रेड शिफ्ट कम है वो क्लोजर होगा, और एज वी नो कि एज वी गो अवे फ्रॉम द प्लैनेट तो हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो फास्टर डिसीशन स्पीड किसकी होगी? वाई की, क्योंकि इट्स गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम अस। अब आ जाते हैं 39th के ऊपर, उसमें उसने हमें टाइम लिमिट बताया हुआ है कि जी हाफ लाइफ इज 2.5 एंड आफ्टर 7.5 मिनट्स द रिमेनिंग मटीरियल इज दिस। सबसे पहले हम लोगों ने जो था इसमें हमारे पास हमने वो फाइंड आउट करना था काउंट रेट आफ्टर सम टाइम। सो इनिशियल काउंट रेट माइनस द काउंट रेट एट प्रेजेंट टाइम। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे कितनी वैल्यू आ रही थी? 7.5 को 2.5 से डिवाइड कर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2.3 निकलता है। अब हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपनी वैल्यू को काउंट करना था। अब आप इन दोनों को माइनस करें हम लोग, तो एन इज द ओरिजिनल काउंट रेट माइनस एन ओवर एट। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7n0/8। एन की वैल्यू एट प्रेजेंट टाइम कितनी दी हुई है उसने हमें? 70 माइक्रोग्राम्स। तो 70 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 7 वुड गिव अस द ओरिजिनल काउंट रेट। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 into 8 वुड बी 80 माइक्रोग्राम्स। देर वॉज नो अदर वे इन विच वी कुड अप्लाई द फॉर्मूला टू दिस। ओके डू यू गैस गेट दिस फॉर्मूला? नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 हाफ लाइफ बैक पे चले जाते थे, ठीक है? 3 लाइफ बैक्स पे जाएं तो हमारे पास 210 माइक्रोग्राम्स या कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। 70 से बैक पे गए होंगे तो 140, 140 किसका हाफ हुआ होगा हमारे पास? आई गेस 280 का। 280 का हाफ कितना बनता है हमारे पास? 560 माइक्रोग्राम्स। और 560 टू द 2 पावर ऑफ 3 पुट करो तो क्या आंसर आ रहा है? देखो सेवेंटी, बट उन्होंने मार्किंग स्कीम में दे हैव गिवन अस 80 माइक्रोग्राम्स, और द ओनली पॉसिबल वे टू रीच आउट टू दिस आंसर वाज दिस वन। ओके देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अ सर बात है, सॉरी। अगर इसमें गलती का चांस ज्यादा है ना, अगर किसी ने दूसरी ये वाला बहुत फॉर्मूला बहुत नहीं ज्यादा, बताया बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाई पूरे मार्क्स नहीं आते कभी भी, या बहुत उसको ज्यादा पर नहीं चांसेस पता, होते। नहीं या उसको नहीं पता कि ये फॉर्मूला लगेगा वो। तो फॉर ऑसिलोस्कोप द टाइम बेस सेटिंग व्हिच वाज 4 मिलीसेकंड्स पर सेंटीमीटर, एंड व्हाट डज द ट्रेस लुक लाइक व्हेन द टाइम बेस सेट टू 2 मिलीसेकंड्स पर सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसका रीजन हमारे पास क्या था? के आई जस्ट गिव यू द रीजन, के टाइम पीरियड जो है हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो गया है, विच मींस के नाउ द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हैज डिक्रीज, तो वेवलेंथ जो है हमारे पास उसको जो है इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, विच वॉज ऑप्शन नंबर सी।